नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। देवी देवताओं के इस धरती पर अवतरित होने को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। भारत में जगह जगह पर देवी देवताओं के अवतरित होने के प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। क्या आप ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहां भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है? इतना ही नहीं, इस मंदिर के परिसर में भगवान परशुराम जी के पद चिन्ह भी विद्यमान हैं। आइए आज आपको इस स्थान के बारे में बताते हैं कहां पर जमीन में गड़ा है भगवान परशुराम जी का फरसा। झारखंड के गुमला और रांची शहर के मध्य घने जंगलों में आज भी भगवान परशुराम जी का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अधीन आने वाले इस मंदिर को टांगीनाथ धाम कहा जाता है। फरसा को झारखंड में टांगी कहा जाता है, इसलिए स्थान को टांगीनाथ धाम से पुकारा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस धाम में भगवान परशुराम जी के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। भगवान परशुराम ने यहाँ की थी घोर तपस्या। टांगीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम राजा जनक द्वारा सीता के लिए आयोजित स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। वह भगवान राम पर शिव का धनुष तोड़ने पर गुस्सा होते हैं, परंतु श्री राम फिर भी मौन रहते हैं। इस घटना को देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वह भगवान परशुराम से बहस करने लग जाते हैं। इसी बहस के दौरान परशुराम को पता चलता है कि राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वह इस बात का पश्चाताप करने के लिए इन घने जंगलों में तपस्या करने पहुंच जाते हैं। यहाँ वह भगवान शिव की स्थापना कर पास में अपना फरसा गाड़कर तपस्या करने लग जाते हैं। यही वह जगह है जहाँ आज भी भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। खुले में गड़ा होने के बावजूद फरसे पर नहीं लगा जंग। टांगीनाथ धाम परिसर में सदियों से भगवान परशुराम के लोहे का फरसा गड़ा हुआ है जो कि खुले आसमान के नीचे है, परंतु इस फरसे की एक विशेषता यह है कि हजारों सालों के बाद भी इस फरसे पर जंग नहीं लगा। यह जमीन में कितनी गहराई तक नीचे तक गड़ा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लोगों का मानना है कि यह फरसा जमीन में 17 फीट नीचे तक गड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इस क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के कुछ लोगों ने लोहा प्राप्त करने के लिए इस फरसे को काटने का प्रयास किया था, परंतु फरसे को वह लोग नहीं काट पाए। इसके बाद यह लोहार जाति के लोग आपस में लड़ने लग गए। कुछ समय बाद यह लोहार जाति इस क्षेत्र को ही छोड़ गई। आज भी टांगीनाथ धाम के 15 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहार जाति के लोग वास नहीं करते। फरसे की आकृति कुछ त्रिशूल से मिलती है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग टांगीनाथ धाम में गड़े फरसे को भगवान परशुराम जी का फरसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि यह भगवान शिव का त्रिशूल है। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव किसी बात से शनि देव पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में वे अपने त्रिशूल से शनि देव पर प्रहार करते हैं। शनिदेव त्रिशूल के प्रहार से अपने आप को किसी तरह बचा लेते हैं, परंतु शिव जी का फेंका हुआ यह त्रिशूल एक पर्वत की चोटी पर जाकर फंस जाता है। यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव ने शनि देव पर फेंका था, क्योंकि टांगीनाथ धाम में गड़े हुए फरसे का ऊपरी हिस्सा त्रिशूल की भांति ही दिखाई देता है। इस फरसे या त्रिशूल के सदियों पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में प्राचीन शिवलिंग मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। टांगीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। टांगीनाथ धाम में स्थित प्रतिमाएं उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर व गौरी केदार में प्राप्त प्रतिमाओं से मेल खाती हैं। टांगीनाथ धाम के विशाल क्षेत्र में मिले अनगिनत अवशेष इस बात को बयां करते हैं कि यह क्षेत्र किसी जमाने में हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल रहा होगा। टांगीनाथ धाम में खुदाई से निकले थे प्राचीन आभूषण। लगभग 3 दशक पहले एक बार पुरातत्व विभाग ने टांगीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र की खुदाई की थी। खुदाई के दौरान उन्हें सोने चांदी के आभूषणों सहित अनेक मूल्यवान वस्तुएं मिली थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते यहां पर खुदाई बंद कर दी गई जो आज तक बंद है। खुदाई के दौरान हीरे जड़ित मुकुट, चांदी का अर्धगोलाकार सिक्का, सोने का कड़ा, कान की सोने की बाली, तांबे की बनी टिफिन जिसमें काला तिल व चावल रखा था जैसी कई चीजें मिली थी। यह सभी चीजें आज भी एक पुलिस थाने के माल खाने में रखी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी उस स्थान से जुड़ी जानकारी जहां पर जमीन पर आज भी भगवान परशुराम जी का फरसा गड़ा हुआ है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।